आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। इसके पहले आप लोगों ने देखा था थर्मल पावर प्लांट, आज ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें भी आपको पूरा फिगर भी बनाना है और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों समझना है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका बायोमास, बायोगैस एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और इसका भी आपका फिगर भी आता है, तो इन दोनों चीजों को आप तैयार करेंगे, बायोमास के लिए भी फिगर तैयार करेंगे और साथ में इसका भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और इसमें एक और मैंने पार्ट लिया हुआ है और वो है आपका विंड एनर्जी, विंड मिल और विंड एनर्जी से संबंधित कुछ बातें मैंने बताई है और उसका भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताया है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो में क्या है। पहले से हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास एक प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो जैसे उसका नाम है, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो सोर्स है वो है आपका वाटर। तो इन हाइड्रो पावर प्लांट वाटर फ्रॉम द रिवर्स आर स्टोर्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। क्या किया जाता है, बरसात के पानी को डैम्स में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े डैम्स बना करके और उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद द वाटर फ्रॉम द डैम फ्लो डाउन थ्रू पाइप एंड रोटेट द टर्बाइन। क्या करते हैं, पानी जब ऊपर से गिरता है तो वो रोटेट करते हैं टर्बाइन को। पिछले पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में हमने देखा था स्टीम से हम टर्बाइन को रोटेट करवा रहे थे, यहाँ डायरेक्ट वाटर से ही हम टर्बाइन को रोटेट करा रहे हैं और उसके बाद रोटेट द टर्बाइन्स एंड जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पावर प्लांट आपको दिया गया है, हाइड्रो पावर प्लांट। इसको भी आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बनाने के लिए भी आ जाता है अलग से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो खाली पावर प्लांट बनाने के लिए आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए ये डैम बनाया गया है, जहां भी डैम्स बने हुए हैं, कई जगह हमारे इंडिया में डैम्स बने हुए हैं और वहां से हाइड्रो पावर प्लांट है। तो इस तरीके से सोर्सेस ऑफ वाटर ये दिखाया गया, स्टोरेज यहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद यहाँ से पानी को ऊपर से गिराया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पानी को बहुत तेजी के साथ गिराया जाता है और ये जो है यहाँ पर टर्बाइन लगा रहता है, यह टर्बाइन जो है रोटेट करता है, ये है ना, बहुत तेजी के साथ रोटेट करता है और रोटेट करता है तो ये इसके साथ जनरेटर जुड़ा रहता है और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और फिर प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उसको पावर हाउस को भेज देते हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर के थ्रू उसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये पानी जो है, इस पानी को, पानी का यूज किया जा रहा है इस टर्बाइन को रोटेट कराने के लिए, इसलिए इस पावर प्लांट का नाम दिया गया है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो ये प्लांट भी बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, इसे का ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आपके बुक में भी बना हुआ है, वो भी आप बनाएंगे या इसको बनाइएगा अच्छे तरीके से और इसको लिखिएगा भी। अब इसका भी एडवांटेजेस क्या है, पानी का यूज किया जाता है तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि फ्लोइंग वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पानी जो है, पानी का प्रयोग किया जाता है, पानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम जितना चाहे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पानी को स्टोर्ड करना पड़ेगा। दूसरी चीज, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड डज नॉट कॉजेस पॉल्यूशन। सबसे बड़ी चीज यही है कि पानी का यूज किया जाता है, इसको जलाया नहीं जाता है, किसी थर्मल चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें लकड़ी या डीजल या पेट्रोल फर्नेस का यूज नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट पानी से ही हम टर्बाइन को रोटेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर पॉल्यूशन का कोई प्रश्न ही नहीं है।
ठीक है, और द वाटर स्टोर्ड इन डेम्स कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल फ्लड फॉर इरीगेशन। जैसे आजकल देख रहे हैं हर जगह बरसात में पानी बहुत तेज बहुत बह रहा है, बहुत तेज पानी बरसात हो रही है, बाढ़ सब जगह आई हुई है। कई जगह डैम्स का जो गेट बना रहता है स्टोर करने के लिए, उस गेट को खोला जा रहा है जिससे कि पानी उससे डैम को तोड़ ना पाए। तो तोड़ा जा रहा है तो उसके वजह से भी कई जगह आपको फ्लड की सिचुएशन जनरेट हो गई है। तो इस स्टोर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, वाटर का जो रेन वाटर है उसको कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, और इसके पानी को सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आप और चाहें तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने मन से भी, कुछ बातें लिखना जरूरी है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि पहले जब डैम बनाया जाता है तो बड़ा कॉस्ट पड़ता है। जितना बड़ा डैम है चारों तरफ से उसको सीमेंटेड किया जाता है, नीचे के पानी को भी ऐसे रखा जाता है कि पानी नीचे ग्राउंडेड ना हो, तो उसको पूरा का पूरा पक्का बनाया जाता है, जिसके वजह से बहुत सारा कॉस्ट लगता है ना। उसके बाद द लार्ज एरिया ऑफ लैंड गेट्स सबमर्ज्ड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन प्रोडक्ट मीथेन गैस विच इज ग्रीन हाउस गैस। कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत होती है, जिसके लिए बहुत सारे पेड़ों की कटाई भी होती है, और वो हमारे पेड़ों की कटाई होने की वजह से हमारे जो ग्रीनरी है उसमें कमी आती है। और भाई आपका जो ग्रीनरी कमी होने की वजह से आपके ऑक्सीजन लेवल में भी कमी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा उस एरिया में। तो इस तरीके से इनिशियली जो है बहुत ज्यादा थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद कोई फिर परेशानी नहीं है। इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द लार्ज एरिया ऑफ लैंड। बहुत बड़ा बनाया जाता है तो इस एरिया में अगर कोई बस्ती है, कोई गांव है, तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल की भी प्रॉब्लम कई जगह आई है ना। पहले जब डैम बनाया गया था उस समय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल की भी प्रॉब्लम आई थी। तो इस तरीके से कुछ आपको ये डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं, और आप भी ये डिसएडवांटेजेस भी आप अपने मन से जोड़ सकते हैं इसमें। इसको कहीं और नहीं बनाया जा सकता है, पानी जहां होता है वहीं बनाया जाएगा। इस तरीके से आप अपने मन से भी कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है। उसके बाद है आपका बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी से आप क्या समझ रहे हैं, समझिए इसको अच्छे तरीके से। ये आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द वेस्ट मटेरियल एंड डेड पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोमास। मतलब जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जैसे सब्जी के छिलका है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तियां हैं, इस तरीके से जो गीला कचरा आजकल कहा जा रहा है ना, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो गीला कचरा में जो सब्जी भाजी से निकलने वाला मटेरियल है, और इस आलू का छिलका, प्याज का छिलका, इस तरीके से ये गीला मटेरियल या वेस्ट मटेरियल कहा जाएगा। और उसके बाद डेड पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधों की पत्तियां, इस तरीके की चीजों से सड़ा गला करके हम एक बायो, जो सड़ा गला करके जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। इसमें वुड, एनिमल डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सी वेज आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या आएगा, जैसे आप गेहूं की फसल की आजकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम आ रही है, जला दिया जाता है, परारी आपने सुना होगा कि पराली जला दी गई तो उससे धुआं उठा, कई दिनों महीनों तक दिल्ली के जो एनवायरनमेंट था वहां पर सन देखने को नहीं मिला। तो इसके इन सब चीजों को अगर इसमें डाल दिया जाए बायोगैस प्लांट में, तो उससे बायो एनर्जी को भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरीके से पॉल्यूशन को भी बचाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ एनिमल डंग दिया है कि हम अपने दूध वगैरह के लिए,
काऊ वगैरह फार्मिंग करते हैं, पालते हैं, है ना, गाय वगैरह पालते हैं, तो उसका जो डंक है उसके में भी उसका भी प्रयोग किया जाता है इस बायोमास एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बायोमास इज डिकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब चीजें जहां रखी जाती है वहां पर जो चीजें सड़ती हैं, गलती हैं, उनको हम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो बायोमास इज डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम रख देंगे तो अपने आप उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, उनको उसको सड़ाते हैं, और जब सड़ता है गलता है तो उससे गैस प्रोड्यूस होती है। बायोमास इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब जैसे आपने पीछे पढ़ा कि जो गैसियस थे मिथेन जी, कार्बोहाइड्रेट जो थे, मीथेन एक अच्छा फ्यूल है, पढ़ा है ऑलरेडी आपने, तो वो भी इसमें प्रोड्यूस होती है और इससे आपका जो बायोगैस होता है वो जलाने या इस तरीके के फ्यूल के रूप में इस एनर्जी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तब इसके लिए एक बायोगैस प्लांट बनाया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट आजकल इसको बनाने के लिए जो गांव क्षेत्र है, विलेज एरियाज हैं, वहां पर खुद उसको बनाने के लिए पैसा दे रही है, जो भी गाय वगैरह पालते हैं उनको ऐसा प्लांट बना के भी दे रही है और उसमें गैस प्रोड्यूस करती है और लोग उसका यूज करते हैं। तो बायोगैस प्लांट के बारे में, बायोगैस प्लांट भी बनाने को आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अकेला क्वेश्चन भी आ जाता है कि ड्रॉ द बायोगैस प्लांट, तो इसमें एक बड़ा सा होज होता है। कई एरिया में अगर आप लोग गांव में गए हो तो वहां पर आजकल लोग इसका भी प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इससे ये एक बड़ा सा टब होता है जिसको फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट कहते हैं। बड़ा सा फिक्स टब होता है, प्लांट बना दिया जाता है, ब्रिक्स से इसको जोड़ दिया जाता है। तो इस यहाँ पर ओवर टैंक होता है, जैसे सलेवरी, एक है सलरी, सलरी जो होती है केटल, डंक एंड द वाटर। इसमें क्या किया जाता है कि गोबर और इस तरीके की चीजें को मिला करके, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी मिक्स करके, और यहाँ से इस टंकी में डाली जाती है। तो यह टंकी में जब डाला जाता है, मिक्स मिक्स करके, उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी भी मिला करके और इसमें डाल करके, और फिर इसके अंदर भेजा जाता है ना। तो इसमें डंक एंड वाटर का मिक्सचर यहाँ पर भरता जाता है। तो जब ये एक्चुअली जो टंकी बनाई जाती है, एक या दो टंकी बनाई जाती है, कम से कम दो टंकी बनाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक टंकी में ये सब पहले डाला जाता है और डालने के बाद ये रखा जाता है, तो कुछ दिनों के बाद जब ये सड़ना गलना, जैसे बताया आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, तब जा करके वो बायोगैस बनाते हैं। तो ये बायोगैस बनता है यहाँ से, तो यहाँ से यह गैस बन करके गैस ऊपर की तरफ जाती है, तो पाइप के द्वारा इसको हम जलाने के भी, लैंप के लिए भी काम किया जा सकता है, और आपको कुकिंग गैस के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है इस गैस का, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें मिथेन होती है, जैसे आप गैस चूल्हे पर रखते हैं, उसी तरीके से टंकी का कनेक्शन गैस चूल्हे से कर दिया जाता है, तो उससे आपका खाना भी बनता है। और साथ में अब दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल बनता है, कुछ दिनों के बाद जब इसको यहाँ इसको पैक कर दिया जाता है, पैक करते हैं बिल्कुल एयर टाइट पैक कर दिया जाता है, तो इसमें से गैस सिर्फ एक आउटलेट दिया जाता है। तो अब ये जब इसमें से गैस बनना बंद हो जाती है, तो फिर दूसरी टंकी में हम दूसरा मटेरियल फिर से डालना शुरू करते हैं, और दूसरे मटेरियल में पहले डालते रहते हैं, स्टोर होता रहता है, फिर इसका जब खत्म हो जाता है तो अब इसको पैक कर दिया जाता है, और इसमें जो ये मटेरियल है उसको निकाल दिया जाता है। तो निकालने में क्या है कि इसका जो खाद बनता है वो खेतों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अगर खेतों में ये सड़ा गला गोबर गैस व गोबर खाद डाला जाता है,
वो बहुत ही फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इसका भी दो यूज हो गए, एक तो आपको गैस भी मिला और दूसरा गुड मैन्यूअर मिला, जिससे कि आपकी मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये बायोगैस प्लांट में क्या है, जरा समझ लीजिए इसको, कि द बायोगैस प्लांट हैज ए लार्ज अंडरग्राउंड टैंक मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, सीमेंट और ब्रिक्स से बना जोड़ करके बना दिया जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टर एंड द अपर पार्ट हैज ए डोम विद द गैस आउटलेट, मतलब ये डोम कहलाता है, बिल्कुल ये टंकी को हम डोम टाइप कहते हैं, और इसमें एक निकलने के लिए आउटलेट सिर्फ एक होता है, बाकी ये क्लोज रहता है, ये आपको खुला जरूर दिखाया गया है, सारा का सारा पैक रहता है। वन ऑफ साइड ऑफ द टैंक एबव द ग्राउंड इज ए मिक्सिंग टैंक एंड द अदर साइड इज ओवरफ्लो टैंक, एक साइड ये मिक्सिंग टैंक कहलाता है, दो बार ये ओवरफ्लो टाइप कहलाता है। एनिमल डंग इज मिक्स्ड विद द वाटर वाटर इन द फिक्स टैंक एंड स्लरी इज सेंट इनटू द डाइजेस्टर, ओके, इन द डाइजेस्टर द स्लरी इज डिकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर ए फ्यू डेज बायोगैस इज प्रोड्यूस, कुछ दिनों के बाद इसमें बायोगैस प्रोड्यूस होने लगती है। द गैस इज टेकन आउट थ्रू द गैस आउटलेट एंड यूज्ड हीटिंग एंड लाइटिंग प्रोसेस, द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इन इज रिच इन द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड इट इज यूज्ड एज ए मेन्यूअर ऑफ क्रॉप्स, दैट इज द गैस तो प्रोड्यूस होती ही है, ये तो उसका काम ही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मैन्यूअर प्रोड्यूस होता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसका प्रयोग करके खेतों में, खेतों की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है विंड एनर्जी, हवा से किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो यहां पर देखिए विंड एनर्जी के लिए इस तरीके से प्लांट लगाया जाता है। विंड एनर्जी इज यूज्ड इन विंड मिल्स व्हिच कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द विंड इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज्ड टू मैकेनिकल वर्क लाइक लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम द वेल और ग्राइंडिंग द ग्रेन इन द फ्लोर मिल। ये आपको देखिए क्या दे रहा है कि विंड का जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो ब्लेड्स होते हैं इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्लेड्स बने रहते हैं, किस टाइप के ब्लेड्स रहते हैं ये देखिए, इस टाइप के ब्लेड बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर जब एयर पड़ती है तो ये इस तरीके से रोटेट करते हैं, ध्यान रखो ये रोटेशन दिखाया गया है, इसी ब्लेड का रोटेशन यहाँ दिखाया गया है। तो जब इसके ऊपर हवा चलती है तो जो हवा की काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन यूज टू डू द मैकेनिकल वर्क, इससे मैकेनिकल वर्क होता है फॉर लिफ्टिंग द वाटर, घूमता है तो पानी ऊपर की तरफ उठता है और वो इरिगेशन के काम कर सकते हैं, और इससे जनरेटर को चला करके फ्लोर मिल में भी काम किया जाता है गेहूं पीसने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रोटेट द टर्बाइन, इसको हम टर्बाइन से पर हवा का दबाव डाल करके ब्लेड को मूव करा करके टर्बाइन को रोटेट किया जाता है, और टर्बाइन जब रोटेट होता है तो दैट ऑफ जनरेट्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। ए सिंगल विंड मिल प्रोड्यूस्ड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक मिल अगर है, मान लीजिए एक है और वह मूव कर रहा है, तो इससे हम कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सो ए लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल इन द लार्ज एरिया आर कपल्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी इन द विंड एनर्जी फॉर्म, मतलब इसके बहुत सारे ऐसे विंड मिल लगा करके और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि टरबाइन बहुत तेजी के साथ रोटेट करता है, सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इससे टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है, और टरबाइन रोटेट करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
इस तरीके के मिल आप इंडिया में कोस्टल एरियाज में बहुत सारे देखे होंगे। मध्य प्रदेश में भी अगर आप जाते हैं, एमपी में कहाँ पर, उज्जैन जहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है, वहां जाएंगे तो वहां जाए उससे पहले अगर रोड साइड जाते हैं तो वहां पर आपको ये मिल बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाते हैं। बना हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर ऊपर पहाड़ के ऊपर ये मिल्स लगाए गए हैं, तो वहां भी पूरे एरिया पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। अब यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं इसका, देखिए क्या एडवांटेजेस हैं कि इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एयर है यहाँ पर, कोई और चीज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एयर है। एयर जब तक नेचर है एयर रहेगी, इसलिए यहाँ पर कोई खर्चा, पहला खर्चा तो लगता है मिल इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन लगने के बाद इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें विंड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से इट डज नॉट कॉजेस पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन का, कोई जलने का, कोई इस तरीके का काम ही नहीं होता है, कोई रेडिएशन नहीं प्रोड्यूस होती है, इसलिए पॉल्यूशन फ्री है ये। इसके अलावा इट इज रिकरिंग कॉस्ट इज लेस, कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, बिल लगाने में भी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, लेकिन एक बार लग जाने के बाद यहाँ पर आप लगातार एनर्जी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस, विंड इज नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम एंड एवरीवेयर। यह मिल जो है कुछ रिस्ट्रिक्टेड फील्ड में ही लगाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिस्ट्रिक्टेड फील्ड का मतलब है कि जहां पर कि हवा चलती रहे, हवा मिलना चाहिए, अगर हवा नहीं मिलेगी तो ये एनर्जी आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे। मेन फैक्टर यहाँ पर यही है कि विंड, इसके लिए आपको ऐसी जगह का चुनाव करना पड़ेगा जहां पर कि हवा चलती रहे, ठीक है, विंड अवेलेबल होना चाहिए। अब ये विंड अवेलेबल कहाँ होता है, या तो हिल स्टेशंस पर या फिर कोस्टल एरियाज, मेन बात है कोस्टल एरियाज में हवा चलती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इट इज रिक्वायर्ड टू लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत ज्यादा एरिया की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक विंड मिल से क्या होगा, कई विंड मिल लगाना है तो इससे इसके लिए लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है। ए मिनिमम विंड स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इज रिक्वायर्ड। ये ब्लेड जो मूव करते हैं वो इस टाइप के शेप बनाए जाते हैं कि थोड़ा भी अगर हवा का दबाव पड़े तो वो मूव करे, लेकिन अगर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो विंड की स्पीड जो है 15 किलोमीटर, कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये विंड मिल के, ठीक है, तो इतना मैं आज आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट कीजिए और करिए। आगे जो है आपका कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो ये पूरा का पूरा आप जो है पहले तैयार कीजिए और अच्छा अच्छा नोट बनाइए, समझिए हर चीज को, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपको जो भी आप एस्टेब्लिश करते हैं प्लांट उसमें देखना पड़ता है। तो मेन आजकल है पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर आजकल जो उपाय किए जा रहे हैं एनर्जी सोर्सेस के लिए उसमें यह ध्यान दिया जा रहा है कि ज्यादातर पॉल्यूशन फ्री हो, और अगर पॉल्यूशन फ्री नहीं होगा तो हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक है, आने वाले समय के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसलिए जो भी एनर्जी के सोर्सेस हैं वो पॉल्यूशन फ्री बनाए जा रहे हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस तो दोनों हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए।